नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बिरजू ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको कोई गांव, शहर या फिर कोई अन्य चीजें नहीं दिखाने जा रहे हैं बल्कि आज हम आपको एक नव निर्मित सड़क दिखाने लिए जा रहे हैं फिलहाल ये जो सड़क है बेरी चौक रूट को सुम्भा से जोड़ता है यानी यूँ कह सकते हैं ये सिंगया बेरी चौक कुश्वर स्थान रूट है और ये जो सड़क है पिछले चार साल से नहीं बन पा रहा था बिजवनिया से बरचुक के बीच में कुछ दो किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इतना ही दूर बचा हुआ था क्योंकि ये समस्तीपुर सीमा से छट के दरभंगा के रूट में आ जाता है हालाँकि रूट तो एक ही है लेकिन जिला दो हो जाता है इस वजह से इस सड़क का जो टेंडर है किसी अलग ठेकेदार को जाता था और उस बार का यानी जो समस्तीपुर में जाता है जो आपने पीछे पीचिंग देखी थी वो समस्तीपुर में जाता है और ये जो रूट देख रहे हैं ये दरभंगा में आ जाता है कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो है टेंडर अलग अलग हो जाता था लेकिन रूट एक ही है ऐसे में ये वीडियो बनाने का वक्त मकसद ये है कि कई लोग इस रूट से ट्रैवल करते होंगे और इस रूट के बारे में उन्हें पता होगा कि यह रूट कैसा हुआ करता था बीते चार सालों में जब यहाँ पे बारिश के समय खेचा हो जाया करती थी तो गाड़ी निकल नहीं पा रही होती थी ट्रक लसक जाए तो तो जेसीबी वाले थे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती थी इसलिए हमने सोचा क्यों ना उन लोगों को सूचना दे दिया जाए कि चलिए हालांकि जो गांव में रहते हैं उन्हें तो आते जाते होंगे तो उन्हें तो पता चलता ही होगा कि सड़क बन रही है और यहाँ पे देखिए फर्नीचर का भी दुकान है पीछे कई सारी ऐसी चीज़ें थी कोचिंग संस्थान थे उसके बारे में हम आपको नहीं बता पाए और सामने बाई साइड में देखिए जो हम सुख्ता वाला शौचालय बनाते हैं बारह वाला हालांकि खर्चा तो उस पर बीस हज़ार हो जाता है लेकिन सरकार की तरफ से हमें बारह हज़ार मिलता है इसमें दस फीट का रिंग हम लगाते हैं सुख्ता में और वो सूखता जाता है तो फिलहाल वर्तमान में ज़्यादातर लोग जो हैं जिनके पास बजट बहुत कम है वो शौचालय के लिए इन्हीं रिंगों का प्रयोग करते हैं ये बिजवनिया में है अगर आप आस से वीडियो देख रहे हैं तो कभी आपका मन करे इधर आके विजिट करने का तो आप कर सकते हैं आगे आपको यहाँ का साइन बोर्ड भी दिखेगा ये देखिए तो इस पर नंबर वगैरह तो वीडियो को स्टॉप करके आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं इंक्वायरी हेतु है और यहाँ पे टेंट का देखिए सामान वगैरह रखा है तो हालांकि यहाँ पे भी कुछ होगा इससे ही संबंधित आगे बढ़ते रहते हैं देखिए पानी जो है पटाई जा रही है वो इसलिए कि ताकि ये जो बालू जैसा जो मिट्टी है वो उड़े ना क्योंकि गाड़ी जब आती है आ, इतना मेहनत से जब इसे बिछाया जा रहा है यानी डाला जा रहा है और उड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे ठेकेदार भी बदले जा चुके हैं और इस बार इस रूट में कुछ नया ये हो रहा है क्योंकि ये जो सड़क है टूटने का मकसद ज्यादातर कारण यही रहा है कि जो गाँव के बीच से सड़क होकर जाती है वहाँ पे पानी जमा होता है और वहाँ पे ज्यादा गड्ढा हो जाता है तो इस बार क्या कि गांव के बीचों बीचों से जो सड़क निकल रही है और घर दोनों साइड है सड़क के दोनों साइड अगर घर है तो वहाँ पे ढलाई वाली यानी पीसी सड़क जो जैसे हम कहते हैं ढलाई वाली वो बन रही है हालांकि इस इतने दूर में दो किलोमीटर के डिस्टेंस में दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये पीसी सड़क बन रही है एक पिरोड़ी आता है और एक कछुआ और मे भी दोनों को मर्ज कर दें तो वहाँ पर आता है तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए साथ ही चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी इस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे उसके लिए नीचे देखिए एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन मिलेगा आपको उसे भी दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो फिलहाल ये जो सड़क है बाढ़ जब आई थी ना उससे पहले ही बननी शुरू हो गई थी अगर बाढ़ नहीं आई होती तो उस टाइम बन गई होती लेकिन जो है बाढ़ आ गई और अगर बाढ़ के समय ये रोड नहीं बन रही होती तो बाढ़ के समय इतन, इस रूट में इतना खेचा होता कि जो बाढ़ के बाढ़ में पानी होते हुए भी वाहन का यातायात जो था वो रुका नहीं क्योंकि उस समय सड़क बन गई थी मतलब गिट्टी गिरा दी गई थी और गाड़ी आराम से जो है आ, अपने मुआयना करते हुए आगे बढ़ जाया करते थे लेकिन अगर ये सड़क नहीं बन रही होती थी तो सड़क ये जो है एक महीने के लिए बंद पड़ जाती हालांकि उसके बाद फिर से काम स्टार्ट हुआ और बहुत जल्द निपटाना हेतु कार्य जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है मुझे लगता है कि आज ये वीडियो अपलोड हो रही है तो लगभग एक महीना के अंदर में ये दो किलोमीटर एक महीना भी नहीं कह सकते बीस दिन के अंदर में ढलाई के साथ साथ पीचिंग भी हो जाएगी और हम आपको जब पिचिंग हो रही होगी तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको दे देंगे और हाँ दोस्तों एक नोटिफिकेशन हम आप लोगों को देंगे अगर आप लोग किसी गांव का नाम बताते हैं कि इस गांव का आप वीडियो बनाएं मेरा भी मन करता है कि उस गांव का वीडियो बनाएं लेकिन किसी कारण बस हम नहीं बना पाते हैं ज़्यादातर मसला होता है यातायात का साइकिल से हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाते अगर आप हमें पिक करके ले जाएँ और आप अपना गाँव घुमाएँ तो हम आपके गाँव भी आएँगे चाहे कितना भी दूर हो तो हम आएंगे। अगर आप हमें ले जाएं और ले आए तो अगर ऐसा संभव है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी ईमेल आईडी नहीं जो है इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा और उस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज करेंगे हम आपसे बात करेंगे फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे यहाँ देखिए रोलर यानी धमसुर है और यहाँ पर रोड बने की जो भी गिट्टी वगैरह जो भी है पिचिंग में जो यूज की जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे गिर रही हैं हालांकि ये जो पत्थर अभी बिखरे बिछी हुई दिख रहे हैं आप वो कहीं और से लाकर दिया जा रहा है इस वक्त हम महाराजपुर में हैं और पीछे डारविन पब्लिक स्कूल भी थी यहाँ पे देखिए गिट्टी खाली हो रही है और यह वीडियो हमने बनाया आपने देखा आपको जानकारी अच्छी लगी या फिर वीडियो अच्छी लगी या फिर आपने कुछ ऐसा देखा जो आप जानने के लिए उत्सुक थे यहाँ पे देखिए मिनरल और वाटर यहीं से पानी सप्लाई होती है ये देखिए माँ दुर्गा की मंदिर है और बाएं साइड में पेट्रोल पंप भी है हालांकि इसके बारे में तो बहुत लोगों को पता भी होगा देखिए माँ दुर्गा की और बाएं साइड में देखिए ये तो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर और बाएँ साइड में देखिए पेट्रोल पंप है और आगे पिरौरी गाँव है इसी गाँव में ढलाई होनी है देखिए और ये जो मशीन गाड़ी देख रहे हैं ना ये ऐसी गाड़ी है जो दो दिन के काम को मिनटों में कर जाता है यानी कि जो बड़ी बड़ी गिट्टी है जो सड़क में इस्तेमाल की जाती है उसको ढेर को चंद सेकेंड में प्लास देता है यानी कि एक रंग कर देता है अभी आपको पता चलेगा जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी देखिए अभी चस्ट सेकेंड में वो गाड़ी जो है गुजरेगी और वो किस तरह से काम करती है हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होता है और ये आगे जा रही है हम इसका जो है Uh, कुछ फुटेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे देखिए ये ढलाइया होने वाली है और ढलाइए के नीचे का जो स्तर है वो अभी तैयार हो चुका है लेकिन ढलैया हुआ नहीं है लेकिन निचला वाला स्तर है और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप पर यानी इंस्टाग्राम पे शेयर करना भी मत भूलिएगा यहाँ पे देखिए प्लास रहे हैं यानी गिट्टियों का रोरों का ढेर पड़ा हुआ है और उसे ये आसानी से प्लास दे रही है देखिए और ये वीडियो जल्द भी ख़त्म होने जा रहा है और क्या ही बोले जो भी हम बोल रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं फिर भी हमारा काम ही है बोलना तो हम बोल रहे हैं नॉर्मल सी बात है हम जो बोलते हैं वो ऑलरेडी आप जान रहे होते हैं देखिए वीडियो खत्म होने जा रही है तो इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया